Hello everybody, my name is Himanshu. Yesterday we learned about pronoun and today we are going to learn about some more basic concepts about personal pronoun. कल जो है हमने pronoun और उसके kinds के बारे में पढ़ा था. आज जो है हम deeply हर एक pronoun के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहला जो है वो है personal pronoun. जैसा कि आपने कल पढ़ा था, personal pronoun stands for three person. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. और जो ये पर्सनल प्रोनाउन होता है इसका यूज तीन तरीके से हम करते हैं. एक होता है सब्जेक्टिव यूज, दूसरा ऑब्जेक्टिव और तीसरा होता है पॉजिटिव. अब हम चार्ट्स के माध्यम से देखेंगे कि पर्सन और जो हमारा सब्जेक्टिव होता है केस, ऑब्जेक्टिव केस होता है या जो पॉजिटिव केस होता है उसमें क्या क्या होता है. तो जो पहला हमारा पर्सन होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो बोलता है. जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं. सेकंड पर्सन जो सुन रहा है. और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात कर रहे हो. कोई भी टॉपिक हो सकता है, वो कोई आदमी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन सबसे पहले हम देखेंगे नंबर, सिंगुलर और प्लूरल. दो ही नंबर होते हैं, एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल. तो सिंगुलर में हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी. ये दोनों हमारे फर्स्ट पर्सन है लेकिन आई हमारा सिंगुलर होता है और वी हमारा प्लूरल होता है. ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना. और ये हमेशा सब्जेक्ट के रूप में ही यूज होता है. आप जो है आई को है जो है आप ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिख सकते. अगर आपको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है तो आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है मी और वी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है अस. जैसे आप कोई सेंटेंस लिखते हो तो जब आप आई का ऑब्जेक्ट लिखोगे तो आई को ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं लिख सकते. आपको क्या करना पड़ेगा, वहां आई की जगह मी करते हैं. अगर वी सब्जेक्ट है और इसका हमको ऑब्जेक्ट लिखना है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस. तीसरा जो है वो होता है पॉजिटिव. अब देखो पॉजिटिव जो होता है ना, ये दो टाइप का होता है. एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव. आप जब एडजेक्टिवेशन पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और दूसरा जो है आपका प्रोनाउन पढ़ी रहे. तो दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है. देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव प्रोनाउन. आपका जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है इसके साथ हमेशा नाउन आता है. आप कभी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव देखोगे तो वहां पे इस एडजेक्टिव के साथ नाउन रहेगा. लेकिन जो पॉजिटिव प्रोनाउन होता है उसके साथ नाउन नहीं आता है. इसमें नाउन पहले से ही जुड़ा होता है. जैसे माइंड, अगर मैं कहूं, अगर मैं लेट्स सी एन एग्जांपल, मैं कहूं कि दिस इज माय बुक और मैं कहूं दिस बुक इज माइंड. आप देखना इसमें डिफरेंस क्या है. देखो ये माई जो होता है ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है. क्यों है, क्योंकि जस्ट इसके बाद आपको क्या है, नाउन है. बुक आपका क्या है, नाउन है. लेकिन यहां पे जो माइंड है इसके बाद कोई नाउन नहीं है तो ये हमारा क्या होता है, प्रोनाउन होता है. वैसे सेकंड पर्सन में आते हैं तो सेकंड पर्सन होता है उसमें भी सिंगुलर प्लूरल, इसमें केवल यू होता है. यू हमारा सेकंड पर्सन होता है. सब्जेक्ट के रूप में भी यू ही होता है और ऑब्जेक्ट में यू ही रहता है. इसमें कोई चेंज नहीं होता है. और पॉजिटिव एडजेक्टिव में प्रोनाउन में ये योर्स हो जाता है, यू का योर्स कर देते हैं और पॉजिटिव एडजेक्टिव में ये योर हो जाता है. तीसरा जो पर्सन होता है वो होता है थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन वैसे ही सिंगुलर और प्लूरल. सिंगुलर में क्या होता है, ही, शी, इट और प्लूरल में दे. ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है. याद रखना ही, शी, इट या दे ये हमेशा सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा. किसी भी सेंटेंस में आप इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लिख दोगे तो गलत हो जाएगा. अगर आपको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है तो ही का ऑब्जेक्ट हो जाता है हिम, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर और इट का इट ही होता है. इससे कोई चेंज नहीं होता है. वैसे ही दे का ऑब्जेक्ट होता है देम. अब पॉजिटिव केस में आएंगे तो उसमें पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव. हिम का पॉजिटिव प्रोनाउन होता है हिम, हर का हर ही होता है. इसमें हर्ष होता है, सॉरी इसमें हर्ष होगा
और इट का इट होता है, इट्स इट्स होता है। वैसे देन का देयर्स और बाकी देयर। अच्छा एक और एग्जांपल, एक और चीज है इसमें, जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है और जो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, इसको आप कैसे पहचान सकते हो? जितने भी पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं माई को छोड़ के, आप उसके लास्ट में अगर एस लगा दो तो वो जो होता है आपका पॉजिटिव प्रोनाउन बन जाता है। या आपके पास पॉजिटिव प्रोनाउन है, माई को छोड़ के जितने भी प्रोनाउन हैं अगर आप उसमें से एस हटा दोगे तो ये आपका जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाता है। तो ये होता है पर्सनल प्रोनाउन। और ये चार्ट है जिसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास तीन पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सिंगुलर और प्लुरल दो हमारे नंबर होते हैं, जिसमें कि आपने देखा आई है, वी है, यू है, ही, शी, इट और दे। इसका अगर हम ऑब्जेक्ट में यूज करेंगे तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, यू का यू ही होता है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट और दे का देम। अब जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल पढ़ेंगे जो हमको ध्यान देना है। तो सबसे बड़ा पहला रूल होता है वो क्या है कि नॉमिनेटिव केस, सॉरी पर्सनल प्रोनाउन में, जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है इसमें जो पहला रूल है, इसमें जो वर्ब होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद और ऑब्जेक्ट के पहले होना चाहिए। जब आप पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे हो, आपको पर्सनल प्रोनाउन लिखना है, कोई सेंटेंस है, जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा है आई टीच हिम, आप इसमें देखो इसमें लिखा है वर्ब इज प्रीसीडेड बाय द नॉमिनेटिव फॉर्म। नॉमिनेटिव फॉर्म यानी इसको हम सब्जेक्टिव फॉर्म भी बोलते हैं, यानी हम इसको सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। आप इसको सब्जेक्टिव फॉर्म कहें या नॉमिनेटिव फॉर्म कहें, दोनों बात एक होता है। इसमें जो आई है यानी जो सब्जेक्टिव है या जो नॉमिनेटिव है, ये हमेशा वर्ब से पहले आएगा। प्रीसीडेड का मतलब होता है पहले, और फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस, और बाद में वर्ब के बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। आप हमेशा याद रखना, आप इसको अगर ऐसे करते हो हिम टीच ही तो ये गलत है, आप ऑब्जेक्ट पहले लेते हैं वर्ब के, जो कि गलत है, ये रूल ऐसा होता ही नहीं है। तो हमेशा याद रखना वर्ब इज प्रीसीडेड बाय द नॉमिनेटिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन एंड फॉलो बाय द ऑब्जेक्टिव केस, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट रूल है वो है इफ ऑल थ्री पर्सन और टू आउट ऑफ थ्री पर्सन कम इन अ सिंगल सेंटेंस द ऑर्डर शुड बी 2-3-1, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कह रहा है कि आपको पता है कि तीन पर्सन होते हैं, क्या क्या होता है, तीन पर्सन होता है, एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अभी मैंने चार्ट में बताया तीन पर्सन होते हैं ना, तो अगर तीनों पर्सन एक ही सिंगल सेंटेंस में आ जाते हैं, जैसे एग्जांपल में समझो, देखो ये हमारा सेकंड पर्सन यू होता है, ही होता है थर्ड पर्सन, ये होता है सेकंड पर्सन, ये हमारा होता है थर्ड पर्सन, और आई जो होता है ये हमारा होता है फर्स्ट पर्सन। ये सिंगल सेंटेंस में तीनों पर्सन आ गए तो हमारा ऑर्डर कैसा होना चाहिए ताकि हमारा सेंटेंस सही हो जाए? तो द ऑर्डर शुड बी 2-3-1, हमको पहले सेकंड पर्सन लिखना है, उसके बाद थर्ड पर्सन लिखेंगे और उसके बाद फर्स्ट पर्सन लिखेंगे। अगर आप ऐसे लिख दिए आई यू एंड ही कर दिए तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये ऑर्डर ऐसा नहीं होता है। तो याद रखना अगर तीनों पर्सन या तीन में से दो आते हैं, जैसे मान लो दो आते हैं यू एंड मैंने ही कर दिया तो ही कर दिया तो यही रूल आएगा, टू आएगा उसके बाद थ्री आएगा। आप यहां पे ऐसा नहीं कर सकते हो, यू एंड आई फिर भी सही है, थर्ड पर्सन ही है तो थर्ड सही है, लेकिन आप जो है 1-2-3 या 3-1-2 नहीं कर सकते। ये यही पैटर्न होना चाहिए, सेकंड पर्सन पहले लिखते हैं, फिर थर्ड पर्सन लिखते हैं और फिर फर्स्ट पर्सन लिखते हैं। अगर हमारे पास सेकंड पर्सन नहीं है, थर्ड ही पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है तो पहले थर्ड लिखेंगे और फिर फर्स्ट लिखेंगे। अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन नहीं है तो हम पहले सेकंड पर्सन लिखेंगे फिर थर्ड पर्सन लिखेंगे। अगर हमारे पास फर्स्ट है और ये, तो अगर हमारे पास सेकंड है
और फर्स्ट है, थर्ड नहीं है तो भी ऐसे लिखेंगे, पहले थर्ड, पहले फर्स्ट लिखे, सेकंड लिखेंगे, फिर थर्ड नहीं है तो नहीं लिखेंगे, फर्स्ट है तो फर्स्ट लिखेंगे। तो ऑर्डर यही होना चाहिए, अगर तीन है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अगर नहीं है तो जो नहीं होता उसको रिप्लेस कर देते हैं। अभी नेक्स्ट देखेंगे, अभी हमने पढ़ा कि अगर एक सिंगल सेंटेंस में तीन पर्सन एक साथ आते हैं तो हमारा जो ऑर्डर है वो 2-3-1 होता है, लेकिन एक यहाँ पे एक्सेप्शन होता है। वो एक्सेप्शन क्या है? इफ समथिंग रॉन्ग इज टॉक्ड अबाउट और सम मिस्टेक डन बाय द पर्सन हैज बीन एक्सेप्टेड, द ऑर्डर इज 1-3। अगर किसी सेंटेंस में कुछ गलत है, मतलब कुछ नेगेटिव बातें होती हैं, या जो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन, उस पर्सन के द्वारा जो है कोई गलती की गई है और उस गलती को एक्सेप्ट करता है वो पर्सन, तो वहां पे जो ऑर्डर है 1-2-3 होना चाहिए, ना कि 2-3-1। अब एग्जांपल में समझेंगे, लिखा है आई यू एंड ही हैव मेड अ मिस्टेक। अब देखो इसमें तीनों पर्सन आए, इसमें पहला पर्सन फर्स्ट पर्सन ये आई है, यू हमारा सेकंड पर्सन है और ही जो है हमारा थर्ड पर्सन है, लेकिन ऑर्डर यहाँ पे चेंज हो गया है, 1-2-3 का क्रम है, यहाँ 2-3-1 का क्रम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक की बात की गई है और तीनों ने जो ही एक्सेप्ट किया है कि हाँ भाई हमसे गलती हुई है। तो अगर पर्सन जो है कोई मिस्टेक करता है, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, अकेले अकेले भी कर रहे हैं या तीनों एक साथ करते हैं, तो वहां पे जो है आप जो है आपका क्रम जो है 1-2-3 का होगा तो सही है, अगर आप 2-3-1 कर दोगे तो गलत हो जाएगा। बाकी अगर अदर केसेस हैं, जनरल केस है, तो आपका वही है 2-3-1 रहेगा। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस रूल से। ये रूल क्या कहता है? इफ देयर इज कंपैरिजन बिटवीन टू नॉमिनेटिव केसेस, याद रखो अगर दो नॉमिनेटिव केसेस, आप इसको नॉमिनेटिव केसेस कहो, कहीं कहीं सब्जेक्टिव केस लिखा होता है तो इसे परेशान मत होना, दोनों का मतलब एक ही होता है। नॉमिनेटिव केस का जो है अगर कंपैरिजन है तो आप याद रखना, अगर सब्जेक्ट का कंपैरिजन होता है तो सब्जेक्ट से ही कंपैरिजन करते हैं, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन है तो ऑब्जेक्ट से ही करेंगे, आप सब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल में यहां पे लिखा मैंने ही इज एज फास्ट एज मी, और यहां पे एज और देन लगाकर जो है हम कंपैरिजन करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। लिखा है ही इज एज फास्ट एज मी, यहां पे देखो ही जो हमारा सब्जेक्ट है और क्या है थर्ड पर्सन, हमें पर्सन नहीं दिख रहा है, हमको ये देखो कंपैरिजन देखो, तो इसमें सब्जेक्ट का कंपैरिजन करना है, ही ही इज एज फास्ट एज मी, मैं जितना तेज हूं उतना तेज वो है, लेकिन यहां पे देखो तो मी क्या है, सब्जेक्टिव केस होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है, मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, आई का मी होता है ना, तो यहां पे क्या है सब्जेक्ट का कंपैरिजन हम ऑब्जेक्ट के साथ नहीं कर सकते, यहां पे आपको जो है कोई सब्जेक्टिव केस ही लगाना पड़ेगा, कोई सब्जेक्टिव केस ही, तो ही इज एज फास्ट एज आई दे कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर ही करोगे, ये ना कि आप सिंगुलर पे प्लूरल लगा देना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो तो सब्जेक्ट के साथ करना, यहां पे अगर मी कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट का कंपैरिजन जो है हम ऑब्जेक्ट के साथ नहीं कर सकते हैं। वैसे यहां पे देखो आई नो यू एज मच एज दे, मैं तुम्हें जानता हूं जितना कि उसे, अब यहां पे देखो यहां कंपैरिजन होता है यू, यू हमारा क्या होता है सब्जेक्ट में भी होता है, सब्जेक्ट में भी यू ही होता है और यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पे यू हुआ है तो यहां पे हम क्या कर देंगे दे के जगह हम देन करेंगे, क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है, किसका कंपैरिजन हो रहा है ऑब्जेक्ट का, तो जब हम ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ ही करते हैं, सब्जेक्ट का कंपैरिजन करेंगे तो सब्जेक्ट के साथ, आप मिक्स नहीं कर सकते सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा कंपैरिजन जो है दो बराबर इक्वल चीजों के बीच होता है,
नाउ नेक्स्ट रूल भी पढ़ते हैं और ये हमारा लास्ट रूल है, रूल नंबर 4। इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद इट, अगर कोई सेंटेंस इट से शुरू होता है फॉलो बाय बी और उसमें बी आता है उसके बाद, द प्रोनाउन दैट फॉलो बी, तो जो प्रोनाउन जो बी को फॉलो करता है वो हमारा नॉमिनेटिव केस का होना चाहिए, नॉमिनेटिव केस का होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में आप समझो, इट स्टार्ट हुआ, इट से स्टार्ट होता है और फॉलो करता है वो बी को। बी का मतलब क्या होता है, बी फॉर्म पढ़ा है ना, इज एम आर वाज वर, पढ़ा है ना बी फॉर्म, तो वही बी फॉर्म की बात कर रहा है। अगर बी फॉर्म है इज है एम है आर है, अगर इट के बाद तुरंत तुरंत बाद बी फॉर्म आता है इज एम आर वाज वर, तो वहां पे जो है उसके बाद जो हम प्रोनाउन को आएगा वो प्रोनाउन जो होगा हमारा नॉमिनेटिव केस का होगा, नॉमिनेटिव केस या आप उसको सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हो, दोनों में से कोई भी बोल सकते हो। आप यहां पे ऑब्जेक्टिव केस इट इज मी मत कर देना, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि रूल ये कहता है कि सेंटेंस अगर इट से शुरू होता है और उसके बाद तुरंत बी फॉर्म आता है, बी फॉर्म में होता है इज एम आर, जब हम वर्ब पढ़ेंगे तो और भी जो है डिग्रीज पढ़ेंगे इसमें, इज एम आर वाज वर, ये बी फॉर्म होता है, और उसके बाद जो हमारा प्रोनाउन होगा वो प्रोनाउन जो होता है वो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस का होता है, ऑब्जेक्टिव या पॉसेसिव केस का नहीं होता है। आइए जो है अभी हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, इस पे जो है कुछ एग्जांपल्स करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, चेक करते हैं कि हमने कितना सीखा। जो पहला क्वेश्चन है लिखा है कि आवर इज अ ग्रेट नेशन, अब यहां पर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा कि आवर इज अ ग्रेट नेशन ये कैसा सेंटेंस है, इसमें कुछ गलती है, ये गलती कहां पे है आपको ढूंढना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपने चार्ट पढ़ा होगा, एक था हमारा आवर और एक था हमारा आवर्स, दोनों में मैंने डिफरेंस बताया था कि आवर जो है ये हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव है और आवर जो होता है वो हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। डिफरेंस क्या है कि जहां पे हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा उसके तुरंत बाद नाउन होना जरूरी है, लेकिन अगर हमारे पास पॉसेसिव प्रोनाउन है तो इसके साथ नाउन की जरूरत नहीं है, आपको नाउन लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव है और इसके तुरंत बाद कोई नाउन नहीं है, तो इसको सही कैसे कर सकते हैं, या तो आप इस एस लगा देंगे तो इसको नाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आवर्स इज अ ग्रेट नेशन, बिल्कुल सही है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आवर नेशन इज अ ग्रेट, या भी दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, यानी अगर आप आवर के साथ कोई नाउन लिख देते हो, जैसे आप आवर के साथ कंट्री लिखते हो, आवर कंट्री इज अ ग्रेट नेशन, बिल्कुल सही है, हमारा एडजेक्टिव है पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसके तुरंत बाद नाउन आ गया। लेकिन अगर नाउन नहीं लिखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एस जोड़ना पड़ेगा, इसको पॉसेसिव प्रोनाउन बनाना पड़ेगा, तब जाके जो है ये सही होगा। तो ये आप ये सही करना पड़ेगा, तो आवर्स करना पड़ेगा या फिर इसके तुरंत बाद कोई नाउन लिखिए, जैसे आप अपने कंट्री में लिख सकते हो। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है इट इज मी हु एम टू ब्लेम, अभी हमने रूल नंबर 4 पढ़ा, जस्ट सेम है, इट से शुरू हो रहा है बी फॉर्म आ रहा है, लेकिन यहां पे देखो जो प्रोनाउन है वो हमारा कौन सा केस का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, जो कि गलत है। हमने पढ़ा है कि अगर कोई सेंटेंस इट से शुरू होता है और बी फॉर्म का कोई भी जो है वर्ब आता है, इज आए एम आए आर आए वाज आए वर आए कोई भी आए, तो उसके बाद जस्ट जो प्रोनाउन यूज होगा वो हमारा नॉमिनेटिव केस का होगा, तो यहां पे हम आई कर सकते हो, आई की जगह ई कर सकते हो, शी कर सकते हो, कोई भी सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यहां पे सुटेबल जो है आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, तो यहां पे क्या होगा, आई कर दो, मी नहीं हो सकता है, हिम नहीं होगा, हर नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा ही नहीं, सब्जेक्टिव केस कोई भी लिख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इट्स कलर इज टू लाइट, इसका कलर बहुत हल्का है, काफी ज्यादा हल्का है, तो इसमें आपको गलती बताओ, इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर, कोई गलती नहीं है, इट्स ये हमारा प्रोनाउन है और यहां पे कलर बिल्कुल सही है। अब यहां पे एक तो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, थोड़ा डिफरेंस होता है इट में और इट्स में, ठीक है ना, एक होता है हमारा डमी सब्जेक्ट, जनरल रूप में यूज करते हैं ना,
कहेगी सेंटेंस में अगर हमको स्टार्ट करना है तो इट लगाकर शुरू कर देते हैं, जैसे बोलते हैं ना इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। और यहाँ पे इट का मतलब, इट का मतलब होता है इट इज, इसका मतलब ये होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आई रन फास्टर देन हिम, आई रन फास्टर देन हिम, यहां पे मैं उससे तेज दौड़ा या दौड़ सकता हूं, यहां पे कंपैरिजन हो रहा है। देखो यहां पे कंपैरिजन हो रहा है, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, जो कि बिल्कुल गलत है। हमने पढ़ा है कंपैरिजन करते हैं तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ ही होता है, तो यहां पे हम आई रन फास्टर देन ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर स्कूल वॉज क्लोज फॉर 4 डेज। यहां पे देखते हैं आवर्स जो कि हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन है, जस्ट इसके बाद नाउन आ गया, तो ये हमारा गलत हो गया, नहीं हो गया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा तो पहले ही नाउन है। अगर आवर्स लिखा है तो इसका मतलब क्या समझते हो, इसमें नाउन पहले से जुड़ा है, इसके तुरंत बाद नाउन लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसमें से ऐसा कर दो बिल्कुल सही हो जाएगा। आवर स्कूल वॉज क्लोज फॉर 4 डेज, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आपको वैसे लिखना है आवर्स है आप स्कूल को हटा दो, बिल्कुल सही, आवर्स वाज क्लोज फॉर 4 डेज। अब लेकिन यहां पे अगर आप आवर्स लिखते हो तो यहां पे कोई ना कोई तो चीज होना चाहिए ना, क्या बनता है आपको पता है, नहीं पता है, तो बिल्कुल सही क्या होगा, आवर लिखो और यहां पे स्कूल को ऐसे लिखो, आवर स्कूल वाज क्लोज फॉर 4 डेज, ये बिल्कुल सही है। क्यों है कि आवर हमारा क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, स्कूल जस्ट पर नाउन आ गया, बाकी जो है जैसा का तैसा हम लिख देते हैं। तो ये था हमारा जो है पर्सनल प्रोनाउन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ रूल्स थे मैंने जिसके बारे में आपको बता चुका हूं मैं आपको। नेक्स्ट जो है अभी हम डेमोंस्ट्रेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, रिफ्लेक्सिव है, एम्फैटिक है, इंट्रोगेटिव है, और भी सारे प्रोनाउन है जिसके बारे में एक एक करके जो है हम डीपली पढ़ेंगे।